नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 67, साइंस क्लास 10 इंग्लिश मीडियम। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पिछली वर्कशीट में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर गैमेट और सेक्स सेल्स। जो मेल और फीमेल पेरेंट्स होते हैं, इनके सेक्स सेल से जब नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो इस मोड को, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जो जीन्स होते हैं, या कैरेक्टर बोलते हैं, या क्रोमोसोम बोलिए, वो हाफ तो मेल से, मदर से, और हाफ फादर से बच्चे में आते हैं। तो हाफ और हाफ बच्चे में भी फुल हो जाते हैं। क्रोमोसोम जो पेयर होता है वो बिल्कुल अपने माता पिता की तरह ही वो पूरा हो जाता है। तो इसमें यही है कि जो गैमेट्स है, गैमेट्स यानी कि जो नया ऑर्गेनिज्म है उसको कहा गया है कंटेन ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, दोनों से मिलता है और फिर वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सीधी सी बात है, देखिए मेल और फीमेल अगर हम ऐसे देखें कि अलग अलग क्वालिटीज होती हैं कि नहीं। अगर हम मदर फादर में ही आप देखें अपने, तो मदर में मदर की फैमिली की क्वालिटी है और फादर में फादर की फैमिली की क्वालिटी है, और दोनों से जो बच्चा है उस बच्चे में, उस नए ऑर्गेनिज्म में यानी उस गैमेट में दोनों की मिक्स क्वालिटी होंगी, तो एक नई चीज होगी ना। तो ये जब सालों साल लाखों साल करोड़ों साल तक चलती रहती है, तो क्या होता है, नई स्पीसीज का ओरिजिन हो जाता है, नई नई प्रजातियां बन जाती है। और यही वजह तो है कि अलग अनेक प्रकार के जीव जंतु हमें नजर आते हैं, है कि नहीं। आप बंदर देखिए, लंगूर देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब एक ही कैटेगरी के होंगे? चिंपैंजी, बंदर, लंगूर, ह्यूमन, ये सब एक ही कैटेगरी के होंगे, तो इनमें क्या हुआ होगा? इन सबों में धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ होगा, धीरे धीरे चेंज हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? इसी कारण से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी वजह से। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रमोट्स डायवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर में डायवर्सिटी को प्रमोट करता है। ऑफस्प्रिंग यानी कि जो बच्चा है, नया ऑर्गेनिज्म हो, उसमें अलग अलग तरह के कैरेक्टर आते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, वो ये होता है कि उसमें दोनों मम्मी पापा दोनों के गुण आते हैं। सेकंड क्या है, इट प्लेज अ रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। इस वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही नई स्पीसीज, नई प्रजाति का जन्म होता है, जिसमें बिल्कुल नई गुण होते हैं। जिसे हम बोले कि बंदर और चिंपैंजी के गुण अलग अलग है, लेकिन अगर हम ये सोचे कि इनके पूर्वज बिल्कुल सेम होंगे कभी ना कभी बहुत साल पहले, तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर जो है, हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नई स्पीसीज को पाते हैं। दो बात हो गई, एक तो ये कि ऑफस्प्रिंग यानी कि जो नया ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर आते हैं, मम्मी पापा के, और दूसरी बात ये जब चलता रहता है तो एक इवोल्यूशन होता है नई स्पीसीज का लाखों करोड़ों साल में। इट लीड्स टू वेरिएशन, और वेरिएशन भी होता है। हम देखें इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन यानी बदलाव भी होता है। जैसे बोले कि डियर है, पहले छोटा डियर होगा, फिर बड़े डियर का हुआ होगा, फिर और बड़े डियर का इवोल्यूशन हुआ। तो ये क्या हुआ कि ये इवोल्यूशन, ये वेरिएशन, बदलाव ही तो आया। ये अकॉर्डिंग टू नेचर अपने आप को ढालते गए, जो ढालते गए वो जिंदा रहेगा, जो नहीं ढाल पाए वो मर गए, और जो जिंदा रह गए उनके बच्चे भी, नेक्स्ट जनरेशन वैसे ही पाएंगे। आपने कई जीव देखे होंगे, कभी वो देखे हैं, वो जो बारिश के मौसम में ट्यूबलाइट्स वगैरह लाइट्स के आसपास पहले फतिंगे टाइप के आया करते थे, फतिंगे वो आजकल नजर नहीं आते हैं। एक्चुअल क्या हुआ होगा, नेचुरल कि वो जो है उन्होंने अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए होंगे। जो अडेप्ट नहीं कर पाते वो खत्म हो जाते हैं, और जब अडेप्ट करते हैं वो रह जाते हैं। और हम कई बार देखते हैं कि नए नए तरह के कीड़े मकोड़े हमें देखने को मिलते हैं, ये सब नतीजा इवोल्यूशन का ही होता है, नई स्पीसीज पैदा लेती है, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। ठीक है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले फ्लावर के अंदर बात करते हैं। ठीक है, जो फूलों वाले प्लांट्स हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पहले प्लांट जान लीजिए। एक फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, ठीक है, वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है, इफ इट कंटेन्स ओनली स्टेमन एंड कार्पेल। या तो उसके पास सिर्फ स्टेमन कार्पेल है, जैसे पपाया और वाटरमेलन है, और वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, फ्लावर में दोनों ही मेल फीमेल के पार्ट दोनों हों। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है ओनली मेल या फीमेल का ही ऑर्गन होगा, जैसे स्टेमन या कार्पेल होगा। पपाया और वाटरमेलन क्या है, यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल है। लेकिन बाइसेक्सुअल क्या होता है, जिसमें दोनों होते हैं, स्टेमन भी होगा, कार्पेल दोनों होंगे, जैसे हिबिकस और मस्टर्ड।
ठीक है। तो एबी का सर मस्टर्ड में क्या होता है, मेल फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं, फ्लावर के स्टेमन, स्टेमन मेल पार्ट है, स्टेमन क्या है, मेल पार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप बड़ा फिगर करके आप देखिए, आप उसमें देखिएगा, आपके आपके वर्कशीट में नजर आएगी, जूम करके देखिएगा इसे। तो स्टेमन इज द मेल पार्ट और इसमें से पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। कार्पेल क्या है, कार्पेल सेंटर में होता है फ्लावर के और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेंटर में है और इट इज मेड ऑफ थ्री पार्ट, इसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो स्वोलन पार्ट है, मोटा पार्ट है, उसे ओवरी कहते हैं। मिडल जो एलोंगेट पार्ट है उसे कहते हैं स्टाइल, ठीक है, और जो टर्मिनल पार्ट है उसे स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो क्या नजर आता है, देखिए इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको दिख जाएगा ये कि ये जो फीमेल पार्ट है ये सर्कल है, दिस इज ये पार्ट है, ठीक है, और इसमें जो ये पार्ट जा रहा है उसके बाद देखिए ये है और फिर ये पार्ट है, बाकी सारे जो है दिख ही रहा होगा आपको। चलिए जूम को थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। तो फीमेल कार्पेल के तीन पार्ट हो गए, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, यहां पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग, ओवरी के अंदर एग सेल्स होते हैं, दिख रहा है आपको, ये होते हैं, आप इसको देखिएगा। मेल जर्म सेल प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, जो मेल जर्म सेल होते हैं वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं जो कि फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है, यानी मिक्स होता है उसके साथ इन ओवल में, ओवल के अंदर, इसके अंदर आते हैं। एक्चुअली होता क्या, जो ये दिख रहा है इसमें, यहाँ पे जैसे ही मेल पोलन ग्रेन आते हैं जिस भी पार्ट पे आता है वो पार्ट ऐसे पाइप करके आपका यहाँ ओवरी तक पहुंच जाता है और उसके बाद यहाँ पे फ्यूजन होता है। दिस फ्यूजन जो है इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं और विच गिव्स द जायगोट, और जो नया और प्लांट बनता है जो इसके अंदर ओवर के अंदर बनता है इसको बोलते हैं जायगोट, ठीक। नेक्स्ट क्या है, चलिए आगे समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा, स्टेमन से जब स्टिग्मा में पोलन ग्रेन क्या है, मेल पार्ट है ना, ठीक है, और स्टिग्मा के अंदर जाता है, स्टिकी में चिपक जाता है, तो इसको पोलिनेशन कहते हैं। पोलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पोलिनेशन, एक क्रॉस। सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, अगर खुद के एक ही प्लांट के अंदर, जैसे था ना मस्टर्ड है, एक ही प्लांट के अंदर है, ट्रांसफर पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के अंदर ही होता है, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, पोलिनेशन हो जाए तो सेल्फ कहते हैं। और लेकिन अगर एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल नहीं है, अलग अलग है, जैसे पपाया का पढ़ा था हमने, तो एक प्लांट फ्लावर से दूसरे फ्लावर, यानी एक प्लांट फ्लावर से दूसरे में जाता है, तो क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर बाय एजेंट, देखिए अब ट्रांसफर होता है कैसे, हवा के द्वारा होता है, ये पोलन ग्रेन है उड़ जाते हैं हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा, या एनिमल में चिपक चिपक के चले जाते हैं। और जब पोलन जो है लैंड करता है कहीं स्टिग्मा पे, तो वो स्टिग्मा क्या होता है, रीच करता है जो फीमेल का जर्म सेल है ना, वहां तक, ओवरी तक पहुंच जाता है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये ओवरी तक पहुंच जाता है पाइप के द्वारा। तो एंड ट्रेवल्स थ्रो द स्टाइल टू रीच द ओवरी, ठीक है, और स्टाइल के द्वारा जो ये, हाँ यहाँ पे इसके द्वारा नीचे ओवरी तक पहुंच जाता है। ओवरी फिर तेजी से रैपिडली ग्रो करती है और पक जाती है और वो फ्रूट बन जाते हैं, ठीक है। उससे पहले जो है ओवल डेवलप होता है, वो टफ कोट हो जाता है और जो कि सीड बनता है, बीज बनता है, फिर जल्दी जल्दी पकता है तो उसके फ्रूट बनता है जिसको हम खाते हैं। फिर जो भी इसके पत्ते होते हैं ना, पंखुड़ियों की, पेटल्स, एप्पल, स्टेमन, ये सब धीरे धीरे गिर जाते हैं। आप देखोगे जब पहले फूल आता है, बीज आता है, फिर फूल धीरे धीरे झड़ने लगता है, उसमें छोटे छोटे फल दिखा होगा, कभी आपने किसी प्लांट पे देखा होगा, तो वो यही एग्जाम्पल है। द सीड कंटेन्स फ्यूचर प्लांट, वो सीड जो है अगर हम उगाएंगे तो अगला प्लांट बन सकता है, वो एम्ब्रियो बन गया, काम कर रहा है वो, अगर जैसे हम उगा देंगे तो नया बन जाएगा, अगर उसे कंडीशन मिल जाती है, हवा पानी, ठीक है, जमीन में उसको उगाया जाता है, और इसको जर्मिनेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, फ्लावर के अंदर हमने पार्ट्स पढ़े हैं, और ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, इसको आप सीख लीजिएगा।
ना क्वेश्चन है हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन कैसे होता है। तो क्वेश्चन वन का आंसर है प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस वेरिएशन इनटू स्पीसीज बाय द एलल्स, जो एलल्स होते हैं मदर और फादर के जो गैमेट्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं एक साथ, और जिसकी वजह से जो नया ऑफस्प्रिंग पैदा होता है या न्यू जनरेशन होती है उसमें बदलाव पाता है। नाउ व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये रहा इसका आंसर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके सामने ये आंसर है। क्वेश्चन ये तीनों पॉइंट आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर दो में, क्वेश्चन नंबर दो में तीनों पॉइंट क्यों जरूरी है, ठीक है। नाउ गिव एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या आंसर होगा। यूनिसेक्सुअल में जिसमें एक ही मेल पार्ट या फीमेल पार्ट होगा, पपाया कोकोनट और आया था ना वाटरमेलन आया था, बाइसेक्सुअल में लिली है रोज है और ऊपर हिबिकस भी आया था आपने देखा होगा वो, उसको आप लिख सकते हैं मस्टर्ड को। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, अभी हमने बताया कि अगर एक ही प्लांट के फ्लावर में दोनों पार्ट है मेल और फीमेल और फिर पॉलिनेशन होता है उसे सेल्फ कहेंगे, और अगर अलग अलग है तो उसे क्रॉस कहेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज जर्मिनेशन और हाउ सीड्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म्ड, जर्मिनेशन क्या है चलिए ये समझ लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन कौन सा है, ये फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव, सीड्स कंटेन फ्यूचर प्लांट्स, जो सीड्स है उसमें फ्यूचर प्लांट होता है, एम्ब्रो होता है किसी भी बीज में, वो डेवलप हो सकता है अगर उसे अप्रोप्रिएट कंडीशन मिले, और इसी को कहते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ सीड्स एंड फ्रूट आर, बीज जो है और फ्रूट कैसे होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फाइव में, आंसर आप देखिए दिख रहा होगा, ये बनेगा आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव में, पहले बीज बनेगा फिर धीरे धीरे फ्रूट बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का ये सेकंड पार्ट का आंसर है, सेकंड पार्ट का आंसर है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, तो आई होप आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो फ्लावर है उसके मेल और फीमेल पार्ट के नाम क्या है, मेल और फीमेल पार्ट के नाम क्या है, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।